नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम नेपाल के द्वारा इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद किए जाने के असली वजह को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल दोस्तों, नेपाल के द्वारा भारत के सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद किए जाने के पीछे आपको और हमको केवल यही बताया गया था कि कुछ भारतीय न्यूज़ चैनलों ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों, इस तथ्य का सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। हालांकि दोस्तों, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये खबर सामने आई है कि नेपाल ने अब कुछ भारतीय न्यूज़ चैनलों पर से अपना बैन हटा लिया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी नेपाल के द्वारा सभी भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनलों को बंद किए जाने का असली कारण आज की इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ समझाएंगे। जैसे कि नेपाल के द्वारा भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद किए जाने का असल कारण क्या था, क्या नेपाल की सरकार अपने इस डिसीजन के बाद अपने ज़रूरी मकसद को पूरा कर पाई, इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर नेपाल ने भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बैन किया है क्यों था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल की तरफ से भारतीय न्यूज़ चैनल को बंद करने के पीछे केवल एक कारण को बताया गया था, और वो कारण था कि भारतीय मीडिया द्वारा नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ अश्लीलता फैलाए जाने के कारण बताया गया था। लेकिन दोस्तों, ये रीज़न केवल 2 से 5% ही सही है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कई सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने खबरों को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को भी चला दिया था कि नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को चाइनीज एम्बेसडर ने अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी इमेजेस भी दिखाए गए थे जो नेपाली पीएम के लिए उचित नहीं था, जिसके बाद से नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने सभी इंडियन न्यूज़ चैनल को अपने यहां बैन कर दिया, जिसके पीछे नेपाल के गवर्नमेंट का एक पूरा साजिश था अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये दोस्तों कि नेपाली पीएम के खिलाफ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई थी जिससे भारत के सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद करने की नौबत आ जाए। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ के न्यूज़ चैनल अपने अपने खबरों को चलाने के लिए दूसरे देशों के किसी बड़े लीडर का हल्का फुल्का मजाक बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, भारत के न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ के मेजर जनरल का भी मजाक बना दिया जाता है, या पाकिस्तान में पीएम मोदी जी का ही मजाक बना दिया जाता है। तो क्या ये दोनों देश केवल इतनी सी बात के लिए एक दूसरे की न्यूज़ चैनल के ऊपर बैन लगाना शुरू कर देते हैं? जवाब है नहीं। एक और अच्छा सा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लगभग हर एक देश का न्यूज़ चैनल कभी न कभी मजाक बना देता है। तो क्या अमेरिका हर एक देश के ऊपर अपना प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है? जवाब है नहीं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार पुतिन का मजाक अमेरिका में, शी जिनपिंग का मजाक भारत में, यहाँ तक कि नेपाल में भी कभी न कभी भारतीय पीएम का भी मजाक बना दिया जाता है। तो क्या इन सभी चीज़ों के लिए ये सभी देश एक दूसरे के न्यूज़ चैनल पर अपना अपना प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं? इसका भी जवाब है नहीं। हालांकि दोस्तों, हमारा भी ये खुद का मानना है कि किसी भी देश के मीडिया को अपने ही देश के नेता या किसी अन्य देश के लीडर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, या इस तरह का वाहियात रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम और आप ये मान भी लेते हैं कि भारत की मीडिया ने नेपाल के पीएम के ऊपर गलत रिपोर्टिंग की, जो बिल्कुल गलत है, तो भी नेपाल ने क्यों सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बैन किया? क्यों केवल उन्हीं न्यूज़ चैनल को बैन नहीं किया जिन्होंने केवल गलत रिपोर्टिंग की थी? लेकिन नेपाल ने उन प्राइवेट न्यूज़ चैनल को भी बैन कर दिया था जिन्हें 180 से भी ज़्यादा देशों में देखा जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर नेपाल के केबल ऑपरेटर या नेपाल की सरकार को भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग गलत या झूठी जो भी लग रही थी, तो नेपाल की सरकार ने क्यों भारत सरकार को इसके लिए लेटर या शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाया? क्यों सीधे न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया? अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए और सारी गलती को अगर हम इन न्यूज़ चैनल पर डाल दें, तो ये भी गलत होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी व्यक्ति अगर आपका मजाक बना रहा है या चुटकी ले रहा है, तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आप सुपर पावर कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति को ले लें,
तो उनके भी किसी न किसी बयान को लेकर या डिसीजन को लेकर उनका विरोध करने के साथ साथ उनका मजाक भी बना दिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, भारत में ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी जी का भी मजाक बना दिया जाता है। तो क्या ये लोग अपने देश के न्यूज़ चैनल को बैन करने या दूसरे चैनल को बैन करने की मांग करने लगते हैं? जवाब है नहीं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जब चाइनीज एम्बेसडर नेपाली सरकार के हर छोटे बड़े या आंतरिक कार्यों में अपनी भूमिका को गुपचुप तरीके से निभाएंगी, तो इस प्रकार का रिपोर्टिंग होना भी लाजमी है। और इस बात को नेपाल के लोग भी मानते हैं कि इस समय नेपाली सरकार के हर एक छोटे बड़े स्टेप को लेने के पीछे चाइनीज एम्बेसडर का पूरा हाथ है। हालांकि दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको कहता हूँ कि मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि भारत या किसी भी देश के मीडिया को आपत्तिजनक खबरों को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें भी ये सोचना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं, क्या सामने वाले की ही सारी गलती है या मुझ में भी कोई कमी आ गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नेपाली पीएम के द्वारा भगवान राम के ऊपर दिए गए बयान के बाद नेपाल के साथ साथ भारत में भी रहने वाले नेपाली लोगों द्वारा नेपाल के एम्बेसी के बाहर किए गए प्रदर्शन वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो हमारे सामने अगला सवाल ये आता है कि जब नेपाल के द्वारा भारत के सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद किए जाने की असली वजह उनकी रिपोर्टिंग नहीं थी, तो भी नेपाल ने आखिर क्यों सभी भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बैन किया? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले नेपाल और भारत के लोगों के रिश्तों के साथ साथ हमें वर्तमान के नेपाली सरकार के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल के लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। इसके अलावा भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में आसानी से आ जा सकते हैं और एक दूसरे के देश में सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और नेपाल के लोग केवल ऑन पेपर ही अलग अलग कंट्री में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच आपस में कितनी घनिष्ठता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए नेपाल के इस समय के पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार की, तो इन्होंने नेपाल के रिश्तों को भारत से ख़राब करने के लिए और चाइना के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास किया है जो वो कर सकते हैं, और अगर वो ये कर रहे हैं तो विश्व की राजनीति में ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मालदीव को ही ले लीजिए, वहाँ पर इससे पहले जो सरकार थी वो पूरी तरह से एंटी इंडिया और प्रो चाइना थी, लेकिन इस समय वहाँ पर जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रो इंडिया और एंटी चाइना है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार भारत के लिए यही सिचुएशन नेपाल में भी है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस समय नेपाल में एंटी इंडिया और प्रो चाइना की गवर्नमेंट है। दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा प्रो चाइना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो को बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि नेपाल के द्वारा भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद किए जाने की असल वजह क्या थी, लेकिन नेपाल की सरकार अपने मकसद में कामयाब होते हुए क्यों नहीं दिख रही है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल के लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, अगर नेपाल में कोई भी घटना घटती है, जैसे कि बाढ़ हो गया या भूकंप हो गया इत्यादि चीज़ें, भारत में इन्हें तुरंत बताया जाता है या भारत की मीडिया के जरिए इन्हें तुरंत दिखाया जाता है। अब क्योंकि दोस्तों, नेपाल की ये जो सरकार है ये कई सारे एंटी इंडिया स्टेप ले चुकी है, जिसे भारत की मीडिया बढ़ चढ़कर दिखा रही है, जो नेपाल की इस गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब क्योंकि दोस्तों, भारत में नेपाल के लोग और नेपाल में भारत के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नेपाल भी चाइना के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना में कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी सोशल मीडिया चाइना की सरकार के अनुसार ही चलती है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेपाल की सरकार ने भारतीय न्यूज़ चैनल को बैन करने में तो कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वो अपने ही देश में उपस्थित सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा पाई और अपने मकसद में फेल हो गई। क्योंकि नेपाल के वे सभी दर्शक जो इंडियन न्यूज़ को फॉलो करते हैं, वे यूट्यूब के द्वारा या अन्य किसी सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय खबरों को फॉलो कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ, जिसमें आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि मेरी इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूअर नेपाल से है, और इस वीडियो को मैंने नेपाल और इंडिया को लेकर बनाया था।
इसके अलावा दोस्तों इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनलों ने इन खबरों को भी प्रमुखता से दिखाया और बताया था, जिसमें चाइना ने नेपाल की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे नेपाल के कृषि मंत्रालय ने भी स्वीकारा था कि चाइना ने नेपाल के लैंड पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से नेपाल में इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन दोस्तों इस पूरे वाक्य में खास बात ये थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अभी तक इस पर मौन धारण कर रखा है। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद।